नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं गगन शर्मा आपका वरदायनी ग्लोबल मार्केट ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो चलिए ग्लोबल मार्केट के साथ स्टार्ट करते हैं। शुक्रवार को डाउ जोन्स 823 अंकों की बढ़त के साथ 31,500 के लेवल पे बंद हुआ। निकेई ने 228 अंकों की बढ़त दर्ज की। हैंगसेंग भी 258 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ। शंघाई ऑलमोस्ट फ्लैट रहा। कमोडिटीज़ की बात करते हैं, ब्रेंट क्रूड का लेवल $111.49 पर प्रति बैरल है। गोल्ड का लेवल $1831 का चल रहा है और रुपी में कमजोरी हमने देखी है पिछले कई सेशंस में, तो रुपी का रेट है 78.35 अगेंस्ट डॉलर। SGX निफ्टी भी हमें बढ़त के संकेत दे रहा है, अभी 156 की अंकों की बढ़त के साथ वो ट्रेड हो रहा है। बात करते हैं 10 ईयर G-Sec के पेपर की, उसका जो करंट रेट चल रहा है 7.44% चल रहा है। चलिए तो बात करते हैं न्यूज़ एंड व्यूज़ की। US मार्केट में करीब करीब 2-3% अंकों की बढ़त देखी गई। इन्वेस्टर्स को फेड रेट की हाई का एक्सपेक्टेशन था, जिसको ऑलरेडी मार्केट ने टाइम कर लिया है। एशियन मार्केट भी वॉल स्ट्रीट को फॉलो करते हुए बढ़त के संकेत दे रहा है। निफ्टी का जो क्रिटिकल सपोर्ट लेवल है 15,600 और रेजिस्टेंस रहेगा 15,900 का। आज GST काउंसिल डिसीजन लेगा क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ऑन टैक्स लायबिलिटी। ऐसा पिछली सेंचुरी में पहली बार हुआ है कि रशिया ने डिफॉल्ट किया अपने फॉरेन डेट्स पे। बात करते हैं आज के हमारे फेवरेट स्टॉक्स की। IT में अगर हम बात करें अपने फेवरेट स्टॉक्स की, तो IT के अंदर हमारे फेवरेट स्टॉक्स रहेंगे इंफोसिस, TCS, KPIT टेक्नोलॉजीज। बैंक भी हमारी फेवरेट स्टॉक्स की लिस्ट में है। बैंक्स के अंदर आप पिक कर सकते हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक एंड SBI। FMCG की बात करें तो FMCG के अंदर हमारे पिक्स रहेंगे डावर, HUL, रुचि सोया, और इनका अगर आप बाय करना चाहते हैं तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म होराइजन के अंदर आप इन सभी स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। याद रखिए निफ्टी का जो क्रिटिकल लेवल है दैट इज 15,900 फॉर 16,200 एंड 16,700 का लेवल। अगर 15,900 तक सस्टेन करता है तो हमें उम्मीद है निफ्टी 16,200 और 16,700 का लेवल भी देखेगा। लेकिन अगर निफ्टी 15,400 पे सस्टेन नहीं कर पाता तो हो सकता है निफ्टी का एक नया लोएस्ट रिकॉर्ड बने, इट कुड बी 14,700 एंड 14,200 ऑल्सो। मार्केट में बने रहिए। पिछले कुछ दिनों से हम आपके पास वीडियो नहीं भेज पाए, हम चाहते हैं हम लगातार आपको अपना वीडियो भेजें। अगर आपको हमारे मार्केट के ज्ञान से, मार्केट वरदायनी ग्लोबल मार्केट ज्ञान की वीडियो से जरा भी आपको अच्छा लगता है या स्टॉक्स पिक में आपको मदद मिलती है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें। एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, कभी भी मार्केट में पैनिक सेल ना करें। ये जो ट्रेंड है जिसके अंदर हमें थोड़ा सा टेंशन होती है कि मार्केट अभी इतना गिर रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, ये सब अपॉर्चुनिटी का काम करती हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। जो शॉर्ट टर्म होराइजन के इन्वेस्टर्स होते हैं उनको लॉस जरूर हो सकते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म होराइजन का इन्वेस्टर अगर अपने आप को जल्दी बेचने के अंदर, पैनिक सेलिंग के अंदर आता है, तो लॉन्ग टर्म में उसका एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। याद रखिए नुकसान मार्केट में बने रहने से नहीं होता, नुकसान मार्केट में पैनिक सेल से बनता है। आप डिसीजन गलत ले लेते हैं, आपको लगता है मार्केट के अंदर अच्छा ही नहीं होगा, और वैसे हम सब जानते हैं जब मार्केट बढ़ती है तो हमें लगता है मार्केट अब बढ़ती ही जाएगी, और जब मार्केट गिरती है तो हमें लगता है कि नहीं अब तो मार्केट गिरती ही जाएगी। तो किसी ने सही तरीके से कहा है कि मार्केट में बने रहने के लिए आपका पेशेंस बहुत ज़रूरी है। डर जरूर होना चाहिए, लेकिन डर तब होना चाहिए जब आपका पर्पस ग्रीडीनेस है, लेकिन अगर आपका रियल इन्वेस्टर्स का की तरह अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मार्केट में बने रहना ही आपके लिए उचित रहेगा। मार्केट में बने रहिए, हमारे वीडियो को पसंद करते रहिए, हमें मोटिवेट करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।